हेलो एवरीवन, आई एम सोनम खान। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लासेस। टुडे इज आई एम टेकिंग सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू आवर टॉपिक वन एंड मैनी। टुडे इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन एंड मैनी। ओके, क्या पढ़ेंगे आज हम? वन एंड मैनी, ठीक है ना। वन मतलब जहाँ एक की बात होती है उसको क्या बोलेंगे हम? वन। एंड मैनी मतलब बहुत सारे। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस। देखिए क्या देख रहे हैं हम? वन एंड मैनी, जिसे हम सिंगुलर वन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। मैनी जिसे हम प्लूरल कहते हैं। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए भी, प्लूरल के लिए ये यूज होता है ना, वन एंड मैनी। ओके, नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले आप ये, आप अगर हम यहाँ देखें तो जैसे कि आप देखिए, अभी ये मेरे पास कितना कलर पेन है? ओनली वन है ना, ठीक है। कितना है ये? वन। तो इसके लिए ये हम कहाँ यूज़ करेंगे? वन कलर पेन है मेरे पास, इसलिए मैंने इसको कहाँ यूज़ किया? वन में। ओके, अभी ये कितने हैं मेरे पास? ये वन से ज़्यादा है ना, देखिए कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री कलर पेन है। ओके, तो हम ये किसके लिए कहाँ यूज़ करेंगे इनको? मैनी में। ओके, ये कितने वन से ज़्यादा हैं, तो ये किस में आ गए? मैनी में। ओके, नाउ वन कलर पेन और मैनी कलर पेन्स। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम देखेंगे रूल वन। ओके, जिसमें हम देखेंगे ऐड एस, जिसमें आप एस को कैसे ऐड करते हैं हम ये सीखेंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस। आपको दिया हुआ है वन सिंगुलर मैनी प्लूरल, है ना, जिसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ सिंपल वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका बॉय, कार, आम, बॉट एंड कैमल। ओके, तो बॉय, अभी आपका ये और कितने बॉय की बात हो रही है? ये ओनली वन है ना, बॉय लिखा हुआ है ना, तो कितने बॉय की बात हो रही है? सिर्फ वन बॉय की बात हो रही है। ओके, अब अगर हम इसे मैनी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें? क्या ऐड कर देंगे हम इसमें? एस को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बॉयज़। ओके, अब ये मतलब वन से ज़्यादा बॉयज़ की बात हो रही है ना, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? बॉयज़। ओके, नाउ कार, यहाँ पर सेकंड क्या लिखा हुआ है? कार। अभी ये वन में लिखा है कार, मतलब एक कार की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब अगर हम इसको मैनी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कार को? तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कार्स। क्या लग जाएगा इसके साथ? एस ऐड हो जाएगा, है ना, तो क्या हो गया ये? कार्स। ओके, ऐसे ही हम अगर थर्ड देखें तो क्या दिया हुआ है? आम। क्या लिखा हुआ है? आम, ठीक है। अब इसमें आप जब इसका प्लूरल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आर्म्स। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? बोट लिखा है ना, बोट, BOAT, बोट है ना, तो बोट, जब बोट का आप प्लूरल करोगे तो क्या हो जाएगा बोट का? बोट्स। ओके, BOATS, बोट्स, है ना, मतलब यहाँ एक बोट की बात हो रही थी और यहाँ वन से ज़्यादा बोट की बात हो रही है ना, मैनी बोट्स, बोट्स की बात हो रही है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ कैमल, लास्ट इज कैमल, ठीक है, यहाँ वन कैमल की बात हो रही है, इसलिए क्या लिखा हुआ है? कैमल। ओके, अब जब हम इसको मैनी में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख लेंगे? कैमल्स। ओके, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? एस ऐड हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, तो ये हमने देखा कि हमें सिंपल वर्ड्स के साथ हम एस को कैसे ऐड करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, अगर वन की बात होगी तो वो सिंपल वर्ड आते हैं, और जब वन से ज़्यादा की बात होती है तो उनके साथ क्या ऐड हो जाता है? एस ऐड हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रूल टू। ओके, अब हम सेकेंड रूल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा था एस को कैसे ऐड करना है, ठीक है ना, अब हम देखेंगे ई एस को हम कैसे और कहाँ ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, याद रखना बेटा, जिस भी सिंगुलर नाउन में, ठीक है ना, ये सब क्या है? नाउन है। ओके, तो जिस भी सिंगुलर नाउन में लास्ट में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ ये लिखा हुआ दिख रहा है,
तो याद रखिएगा इन इन लेटर्स के साथ हमेशा हमें किसको ऐड करना है, ई एस को। ओके, किसको ऐड करना है आपको, ई एस को, है ना। जैसे फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, एस, है ना, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ, है ना। इनके साथ हमें हमेशा किसका यूज़ करना है, ई एस का। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये आपको दिया है वन और ये मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है बस, है ना, बी यू एस, बस, मतलब कितनी बस की बात हो रही है, वन, है ना, वन में लिखा है इसलिए, सिंगुलर में लिखा है इसलिए ओनली वन बस की बात हो रही है। अब जब हम इसको प्लूरल करेंगे तो एस के साथ किसका यूज़ होता है, अभी बताया था, ई एस का, है ना। तो बस का क्या हो जाएगा, बसेस। ओके, बी यू एस ई एस, बसेस, है ना। ऐसे अगर आप देखें क्या दिया हुआ है, क्लास, अब लास्ट में क्या लिखा है, डबल एस लिखा है ना, तो डबल एस के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, ई एस का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एस डबल एस सी एच एस सॉरी एस एच सी एच एक्स और ओ, है ना, इसके साथ हमें ई एस का यूज़ करना है। तो डबल एस के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, ई एस का। तो सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेस। ओके, तो ये हो गई, मतलब यहाँ बहुत सारी क्लासेस की बात हो रही है, मैनी क्लासेस की बात हो रही है। ओके, नाउ लुक एट दिस डिश, तो डिश का क्या हो जाएगा, डिशेस। ओके, तो डी आई एस एच ई एस एच, डिशेस। ओके, नाउ बेंच, तो बेंच का बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस। देखिए बेंच सी एच दिया है ना लास्ट में, सी एच है लास्ट में, तो सी एच के साथ किसका यूज़ करेंगे हम, ई एस का। ओके, ना बॉक्स, तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, बी ओ एक्स, अब एक्स के साथ भी किसका यूज़ होता है लास्ट में, ई एस का, किस में, प्लूरल में, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, बॉक्सेस। ऐसी अगर आप देखें मैंगो, तो मैंगो का क्या हो जाएगा, एम ए एन जी ओ, ओ के साथ भी किसका यूज़ होता है, ई एस का। तो यहाँ लिख लेंगे हम ई एस, मैंगोज। ओके, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आपको एस और ई एस को सिंगुलर एंड प्लूरल में हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ हम सिंगुलर नाउन के साथ एस और ई एस को ऐसे ऐड करते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।